The sequel to the Hollywood blockbuster Godzilla vs. Kong is set to be filmed in Queensland. The project, which is the next instalment in the MonsterVerse franchise, will be shot in a range of locations across the state's southeast. It's expected to deliver an economic boost of more than $79 million and create more than 1,000 jobs. The premier has labelled it a coup for the film industry. तो देखकर ऐसा लगता है कि मॉन्स्टरवर्स की एक और मूवी आने वाली है जिसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। फिलहाल इसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का सीक्वल बुलाया जा रहा है। इस मूवी के न्यूज के साथ फैंस एक्साइटेड और साथ ही साथ कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसकी स्टोरी का एक छोटा सा भी क्लू नहीं है हमारे पास। बहुत लोगों का ये मानना है कि इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग एक बार फिर से लड़ेंगे जिसके चांसेस काफी कम है क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में ही गॉडजिला और कॉन्ग के बीच सेटलमेंट हो गई थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए तैयार थे, इसलिए दोबारा फाइट करने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सीक्वल से उनका मतलब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की घटना के बाद की मूवी से है, जो शायद एक सोलो गॉडजिला या सोलो कॉन्ग मूवी है। मोस्ट लाइकली ये सोलो कॉन्ग मूवी है क्योंकि गॉडजिला की एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज आने वाली है जो एक प्रीक्वल होगी। इस कॉन्ग फिल्म के बारे हमने लगभग एक साल पहले ही सुना था जिसे लोग सन ऑफ कॉन्ग मूवी कह रहे थे, तो हो सकता है कि ये वही प्रोजेक्ट है। फिलहाल कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, सिर्फ हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेजेंडरी जल्द ही इस मूवी के बारे कुछ क्लैरिटी देगा। मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइए कि आपके अनुसार ये कौन सी मूवी हो सकती है।